वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जो है हम हमारे फेस पे जो डर्ट पॉल्यूशन एक्यूमुलेट हो जाती है, टैनिंग हो जाती है ना, तो हम बाहर से आते हैं गर्मियों में, तो पसीने में हमारी स्किन जो है चुलसी हुई रहती है, बहुत सारी परेशानियां हमारी स्किन पे आ जाती है। उसका सोल्यूशन एक में लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे होंगे बेसन और हल्दी मैंने ले लिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। बेसन और हल्दी ऐसी चीज है जो राजा महाराजों के टाइम से, जब साबुन नहीं होते थे। और ये नेक्स्ट मैंने मिल्क लिया है, रॉ मिल्क है। ये तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। तो राजा महाराजाओं के टाइम से जो पहले रानियां होती थी, वो भी इस बेसन का ही बॉडी वॉश बनाती थी और इस्तेमाल करती थी, और उनकी स्किन बहुत अच्छी होती थी। तो मैंने जो है पहले साबुन भी नहीं होते थे, तो इसी का इस्तेमाल करके जो है फेस को क्लीन किया जाता था, बॉडी को क्लीन किया जाता। तो मैंने मेकअप को उतार लिया। मैं बाहर से आई हूँ, बहुत थका थका सा फेस लग रहा था और बिल्कुल चेहरे पे ग्लो नहीं था, और ना बिल्कुल टैन लग रहा था फेस, बिल्कुल ही डर्ट पोल्यूशन से एक्यूमुलेट मेरे फेस पे हो गई थी। तो बेसन क्या करता है जो है, पिम्पल्स में फायदेमंद है, ऑयली स्किन वालों के लिए फायदेमंद है, डेड स्किन सेल्स से छुटकारा दिलाता है, स्किन पर बनी हुई जो है मॉइस्चर प्रदान करता है, चेहरे पर आता है इससे निखार। हाँ जी, आपने सही सुना। इस तरीके से चेहरे पर लगाने से, बेसन से, हमारा जो है फर्स्ट स्टेप जो है फेशियल का हो जाता है। तो पहली स्टेप में हमें जो है क्लीनिंग करनी है हमारी जो फेस की क्लीनिंग करनी है। स्वास्थ्य के साथ साथ हमें स्किन की भी देखभाल करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, नहीं तो एक टाइम के बाद हमें एजिंग के जो है साइंस बहुत जल्दी देखने को हमारी स्किन पर मिलते हैं। और अगर हम स्किन की देखभाल करने लग जाते हैं तो हमारी स्किन बेटर और बेटर होने लग जाती है, और हमारी जो है एज से हम 4 से 5 साल डिले हो जाते हैं, कम लगने लग जाते हैं। तो हमें जो है स्किन का जो है ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप अपन बनाते हैं स्क्रब। ये क्लीनिंग कर ली है अपने ने फेस की, अब जो है स्क्रब बनाते हैं। सबसे पहले मैं कॉफी ले रही हूँ। कॉफी के जो ये पार्टिकल्स हैं, ये हमारे जो डेड लेयर्स को हटाएंगे, पोर्स को क्लीन करेंगे, और बहुत ही अच्छा सा ग्लो हमारी लाइटन हमारी स्किन को करेंगे। कॉफी में आप सभी जानते हैं कितने अच्छे जो है गुण होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए, मैंने कॉफ़ी ले लिया है, और कॉफ़ी में पीने में शरीर में एनर्जी तो ठीक से आती है, लेकिन इसको चेहरे पे लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी जो है समस्याएं दूर होती है, फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं, डैमेज स्किन सेल्स को ठीक करने का काम करते हैं। तो देखिए, मैंने झटपट से ये जो है स्क्रब बना लिया है। इस फेशियल को जरूर आप करें। महंगे से महंगे जो है फेशियल होते हैं ना, उनको आप भूल जाएंगे इस फेशियल को अगर आप करने में लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा जो हमारे ये स्क्रब बन के तैयार हो गया है, और मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस पैक से आपके चेहरे की झुर्रियाँ कम होने में सहायता मिलती है, आपको जो है टैनिंग की समस्या दूर होती है, ओपन पोर्स जो है श्रिंक होते हैं और मिनिमाइज होते हैं, और क्लीन होते हैं अंदर से पोर्स, हमारी स्किन खिली और जवान लगती है। तो इस प्रकार से आपको इस फेशियल को कम्प्लीट करना। आप फेस के साथ साथ आपके हैंड्स पर भी लगा सकते हैं, अगर हैंड्स पर भी टैनिंग बहुत जल्दी, मुझे तो हैंड्स पर आ जाती है, तो आप हैंड्स पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा ग्लो आ गया है, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए आप, इंस्टेंट ग्लो जो है ये पैक, नेचुरल रेमेडीज जो है इंस्टेंट ग्लो देने के लिए बहुत ही कारगर होती है। तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करना। और अच्छा से स्क्रब हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट जो पैक का स्टेप है, तो मैं इसके लिए फिर से बेसन ले रही हूँ, है ना, और नेक्स्ट ले रही हूँ दही। ये फ्रिज की निकली हुई ठंडी ठंडी दही है, और मेरा जो है अभी बाहर से मैं आई हूँ, धूल मिट्टी एक्यूमुलेट है, और ठंडी ठंडी चीज़ मुझे लगाने का मन भी हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि एक तो क्लीन करेगा पोर्स को, और ठंडाई की वजह से हमारे जो पोर्स क्लीन होंगे, और एक देखिए आप फिर भी कितना क्लीन हो गया है मेरा फेस दोनों स्टेप से। तीसरी स्टेप करके देखते हैं कि कितना प्यारा इससे ग्लो आता है। मैं इसको बहुत करती हूँ, रेगुलर करती हूँ। आपको मंथ में 3 से 4 बार या 5 बार तो इसको रिपीट करना ही चाहिए, या वीक में 3 बार भी आप इसे कर सकते हैं, जैसा भी आपको टाइम मिले, जैसे भी सूटेबल लगे तो आप इसे कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। चमकदार त्वचा के लिए आप इस फेशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, घर के इंग्रेडिएंट है और सब कुछ अपने किचन में ही मिल जाता है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, तो भी आप एक बेसन का जो है एक छोटा सा डिब्बा अपने बाथरूम में ही रखें, अपने रूम में रखें, जिससे उसका फेस वॉश कर सकें। आप नेचुरल फेस वॉश करेंगे ना, तो देखिए आपको गजब का ही निवार निखार आएगा फेस पे, डस्ट मिट्टी वगैरह से अगर आप परेशान हैं तो वो भी सही होंगे। तो देखिए, मैंने फेस को अच्छे से लगा लिया है। इसको ये अच्छे से ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दही था, दही में विटामिन सी से लोडेड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ये अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो देखिए आप इसका रिजल्ट देखिए, कितना प्यारा रिजल्ट जो है मेरी स्किन पे आ गया है एकदम। देखिए, लिप्स भी इतने क्लीन हो गए हैं, मेरी नोज देख पा रहे होंगे आप, जो भी मेरे फेस में मेकअप था वो सब हट गया है, और एकदम स्किन जो है बेहद
ताजा ताजा सा फील कर रही है। तो देखिए इस प्रकार से इस फेशियल को जरूर से इस्तेमाल करें। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बहुत से लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करें और मुझे इसके फीडबैक जरूर दें कि कैसा आपको ये जो है फेशियल मेरा लगा है, और इसे जरूर से इस्तेमाल जरूर आप करना। और थोड़े थोड़े से पार्टिकल जो है बेसन के मेरे फेस पर अभी भी है क्योंकि मैंने इसको कपड़े से किया है, पानी एकदम वेस्ट नहीं किया है, इसको पानी को वेस्ट नहीं करते। फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।